यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मुझे राइट स्लिप टर्न मार के ये ब्रिज पकड़ना था और मैं आगे बढ़ गया। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है और जल्दी पता चल गया कि मैं गलत जा रहा हूँ, तो यहाँ से यू टर्न मार के मैं हर्बर लाइन पकड़ूँगा। ये जो नया ब्रिज बना है समंदर में सिवड़ी से उलवे तक, तो मैं उलवे की तरफ से पकड़ रहा हूँ, मुंबई की तरफ जा रहा हूँ। और रात को ये कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूँ। रात को काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यही ब्रिज जब टर्न मार के ऊंचा नीचा होता है तो समंदर में इसी की लाइट नज़र आती है, वरना दूर तक कोई लाइट दिखती नहीं है कहीं भी। मैं हूँ शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। ये ब्रिज जहाँ से पकड़ा हूँ वहाँ से 22 किलोमीटर है और ये फ्रीवे में टच हो जाता है। वेलकम यहीं पे किया गया है और इसी साइड में टोल प्लाजा है जिसके चार्जेस हैं 250 रुपये। रिटर्न अगर उसी दिन होंगे तो रिटर्न का 125 रुपये अलग से कटेगा। और अच्छा टोल प्लाजा है, कोई नाका कोई फाटक नहीं है, बस नीचे से गुजर जाओ, फास्टैग स्कैन हो जाएगा और पैसा कट जाएगा, आज नहीं तो कल कटेगा, लेकिन कटेगा ज़रूर। क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं है कि दर पे कट जाए। समंदर का सबसे बड़ा पुल अटल सेतु, हर्बर लिंक और बहुत बड़ा नाम है हिंदी में इसका, पीछे गुजर गया है बोर्ड उसमें लिखा हुआ था, जैसे वो तमिल वाले होते हैं ना, उनका नाम पूछ लो तो 10-15 मिनट चला जाता है खाली नाम सुनने में, वैसे ही है। इस रोड पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम खेल रहा हूँ और वीडियो गेम में गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि हर स्पीड वाला फास्ट लाइन में घुसा हुआ है। जिसको 60 पे चलना है वो भी पहले लाइन में घुसा है, जिसको 80 पे चलना है वो भी पहले लाइन में घुसा हुआ है, और 100 की स्पीड तो है ही है इसकी। अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे काफ़ी गाड़ी नज़र इसलिए आ रही हैं, अभी कितना एक महीना भी तो नहीं हुआ, 12 जनवरी को ओपन हुआ था ये ब्रिज, और स्टार्टिंग में यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ इसलिए नज़र आ रही हैं कि हर आदमी को जिसके पास गाड़ी है हर किसी को शौक है एक बार इस ब्रिज को देखना है, इस ब्रिज के ऊपर से निकलना है, दिन को भी निकलना है रात को भी निकलना है, इस वजह से गाड़ी काफ़ी नज़र आ रही हैं। वरना 250 रुपये देकर बहुत कम लोग जाएंगे, बहुत कम लोग जाएंगे वो साइड से। अगर टोल प्लाजा कम नहीं किया तो ये सूना पड़ा रहेगा, सुनसान पड़ा रहेगा, बहुत कम गाड़ियां निकलेंगी यहां से। 6 लाइन हाईवे है और पट्टियां चौड़ी हैं, यानी ट्रक भी अगर निकल जाए तो ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रक तो अलाउड हैं, सिर्फ बाइक मना है यहाँ पर।
अगर पट्टी के बीच पे स्पिरिट लिख दिए होते या ये लिख दिए होते कि फर्स्ट लाइन सिर्फ है ओवरटेक करने के लिए है तो ज़्यादा बेहतर होता, नहीं लिखा है। 60 की स्पीड पे भी लोग चल रहे हैं फर्स्ट लाइन में, इस वजह से लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ता है जो कि गलत है। फ्रीवे में भी 4 लाइन है लेकिन उस पर ट्रक अलाउड नहीं है, और अगर ट्रक या बस निकल जाए तो फिर उसके बाजू से कोई गाड़ी नहीं निकल पाएगी, पट्टी पतली है, जगह कम है। यहाँ पे एक साइड जाने वाली लाइन में काफ़ी जगह है, बहुत चौड़ी पट्टी बनाया है बड़ी गाड़ी के हिसाब से। फ्रीवे जो है उसमें बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं, इसलिए बड़ी गाड़ी के हिसाब से बनाया नहीं गया, वो छोटी गाड़ी कार वगैरह के लिए है। ब्रिज की रोड बड़ी स्मूथ बनाया है, कहीं पे कोई जंपिंग नहीं है और ख़ूबसूरत भी है, रात को ये और भी अच्छा लगता है। वीडियो में इतना समझ में नहीं आएगा लेकिन रियल आँख से जब देखोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। अब जो बोर्ड नज़र आने वाले हैं दिशा निर्देश वाले बोर्ड, उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मुंबई पोर्ट के लिए सीधी रोड चली गई है और वडाला के लिए बाईं तरफ और कुलाबा के लिए भी बाईं तरफ, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन यह कंफ्यूजिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मैं बताता हूँ आगे। अब यहाँ पर एक दाईं तरफ रोड चली गई है सीधी, वो है मुंबई पोर्ट के लिए, तो वो तो मुझे छोड़ना है। अब यहाँ से कन्फ्यूजिंग ख़त्म हो गई है, अब यहाँ पर कुलाबा और मंत्रालय के लिए दाईं तरफ वाली सीधी लाइन है और वडाला वालों के लिए लेफ्ट स्लिप टर्न मारना है, और यहाँ से लेफ्ट स्लिप टर्न मार के मैं निकल चुका हूँ। और ये राइट स्लिप टर्न हो जाएगा, ब्रिज ये हो गया।
ये जाकर फ्रीवे में जाकर टच हो गया। तो वडाला साइड जाने के लिए यही दिशा है फ्रीवे में टच होने के लिए।